वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पुनीत शर्मा। कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में खाद्य विभाग की टीम द्वारा विगत दिवस इंदौर जिले में केरोसिन की कालाबाजारी में संलग्न व्यक्तियों तथा संबंधित भंडारण स्थलों की औचक जांच कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसी तारतम्य में कलेक्टर सिंह ने बताया कि केरोसिन डीलर द्वारा उनको दिए गए लाइसेंस पर निर्धारित किए गए कार्य क्षेत्र में ही व्यापार किया जा सकता है, उससे भिन्न क्षेत्र पर नहीं। लेकिन खाद्य विभाग की टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ केरोसिन डीलर्स गोपनीय तरीके से भिन्न क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं तथा कुछ डीलर्स लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुके हैं। उक्त सभी डीलर्स द्वारा अवैध रूप से केरोसिन का व्यापार जिले में किया जा रहा था। कलेक्टर सिंह ने बताया कि उक्त प्रकरण में कुल 9 FIR दर्ज की गई है तथा 6 डीलर्स के विरुद्ध चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत रासुका की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर आनंद गोले द्वारा अपने कर्तव्यों में बरती गई लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई प्रचलन में है। उल्लेखनीय है कि विगत दिवस अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के अमले द्वारा इंदौर जिले के केरोसिन थोक विक्रेताओं के केरोसिन भंडारण स्थल सर्वे क्रमांक 61/6 पटवारी हल्का नंबर 17 ग्राम निरंजनपुर देवास नाके के पास आकस्मिक जांच की गई थी, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले नीले केरोसिन के थोक विक्रेताओं के पास उक्त भंडारण स्थल पर नीला केरोसिन संग्रह करने की विस्फोटक विभाग की अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई थी। साथ ही उक्त परिसर में खड़े केरोसिन टैंकर्स में फ्यूल टैंक की जांच करने पर 3 केरोसिन टैंकर्स में फ्यूल टैंक में नीला केरोसिन पाया गया, अर्थात तीनों टैंकर केरोसिन से चलित पाए गए थे, जिसमें मध्य प्रदेश केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 एवं केरोसिन उपयोग पर निर्बंध तथा अधिकतम कीमत नियंत्रण आदेश 1993 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण 53,185 लीटर नीला केरोसिन, 4 टैंकर एवं अन्य सामग्री जब्त की गई थी। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.